कर दो ना, मृग जो है बहुत सीधा साधा जानवर होता है, भोला प्राणी होता है, तो बाघ की खाल पर बैठते हैं, लेकिन ओढ़े हुए हैं मृग छाला, माने भोले भाले बन करके रहते हैं। तिकड़मी स्वभाव नहीं है, और हाँ जी बाबा बोलते हैं सब माताओं को देवान ज्यादा होता है क्या है, जिन्हें 63 जन्मों में ज्यादा देवान भोगा होगा उनमें देवान ज्यादा होगा, तो क्या सभी माताओं ने देवान ज्यादा भोगा होगा, पांच उंगलियां एक जैसी होती हैं क्या, एक जैसी तो होती नहीं है। माताओं में कोई जगत माता भी है, क्योंकि जगत में तो सब धर्म की आत्माएं हैं, और धर्म वाले देह अभिमानी भी होते हैं, उनकी भी अम्मा है जगदम्बा, तो देह भान बगैर काम चलेगा क्या, देह भान बगैर महाकाली का रूप कैसे धारण करेगी, असुर संघारिणी कैसे बनेगी, फिर उस असुर संघारने की देर की देर भुजाएं भी होती हैं,
तो जगदम्बा और उनकी भुजाओं की भी पूजा होती है और फिर भारत माता की भी पूजा होती है। भारत माता भारतीयों की अम्मा है या विदेशियों की भी माँ है? भारतवासियों की माँ है। तो भारत माता में भी देवान रहेगा क्या? देवान रहेगा तो बढ़िया पालना कैसे करेगी? विष्णु देवी के रूप में पाठ कैसे बजाएगी? विष्णु की पालना तो गई हुई है। और जिन बच्चों ने पहचान लिया उनके लिए तो बाप नया है, नया नहीं है, जानते हैं। कल्प कल्पांतर का पुराना बाप है और बाप तो जानी जाननहार है ही, आत्माओं का बाप। उसके लिए तो कोई भी नया नहीं है। हाँ, हम बच्चे जब तक ज्ञान को पूरी गहराई से नहीं समझते हैं तब तक हमारे लिए ज्ञान भी नया है और बाप की चाल को जब तक नहीं समझते हैं तब तक बाप भी नया है। बाप का पार्ट भी नया लगता है। ऐसे देखने में आता है जैसे वंडरफुल बाप है, वंडरफुल पार्ट है और वंडरफुल नई दुनिया स्थापन करते हैं। क्योंकि जो दुनिया स्थापन करते हैं स्वर्ग, वो दी बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। मनुष्यों ने तो जो 7 वंडर्स बनाए हैं दुनिया के, वो मानवीय वंडर है। लेकिन बाप जो वंडरफुल नई दुनिया बनाते हैं ऐसी दुनिया तो कोई भी स्थापन नहीं कर पाता। नई दुनिया का फर्जन डाल रहे हैं। ठीक है, आने जाने लायक बनो। माताएं नहीं है नई दुनिया में? नई दुनिया में, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों में माताओं का हिस्सा नहीं है? माताएं भी है, कन्याएं भी हैं, भाई भी हैं, अदर कुमारी भी हैं, कुमार भी हैं। ठीक है, है? सुन लिया ना? और उसके बाद काम भी खत्म हो जाता है इधर। तो 10 बजे के बाद सोने के लिए थोड़ा ही मना किया, रात में जगेंगे 2 बजे से, तो दिन में सो भी लो 1 घंटा 1.5 घंटा। दिन में उनको नहीं सोना है जो 3-4 बजे उठते हैं, जो रात में जगेंगे ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे
तो दिन में थोड़ा आराम कर ले। हैं? बयालीस में प्रजापिता ने शरीर छोड़ा, उसके लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे, और 47 में छोटी माँ अर्थात भारत माता शिव शक्ति अवतार के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, उनके लिए बोला 20 वर्ष हो गए होंगे। ये सन 66-67 की बात है मुरली की। ये दोनों ही तो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है, उन्हीं के बारे में बोला। ये बाप की पहचान के पॉइंट्स हैं, जिनसे बाप की उम्र पहचानी जा सकती है, जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, और जो भारत की माता है वो सन 67 में पच्चीस और 20 वर्ष के हो गए। तो अब 2008 में कितने वर्ष के हो गए होंगे, आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है। और बाबा जैसे 3 बजे हम लोग क्रीला में जगते हैं, उसके बाद योग लगा के जैसे कोई और मोहल्ले में जैसे फेरी वेरी देने जाती हैं, तो उनके साथ जा सकते हैं, भक्ति मार्ग में जाती हैं। बाबा ने तो बोला है कि छत पे जा कर के चहल कदमी करो, तो उनके साथ जैसे बाबा के साथ लेके जाते हैं बाबा। हाँ जी, बाबा को साथ लेके जाते हैं, उनके साथ तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बाबा को साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बाबा की याद में चलते हैं, बाबा की याद में चलेंगे, बाबा के साथ जाएंगे। अंधेरे में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अंधेरे में जाते हैं। हाँ, अंधेरे में हम जाते हैं बाबा को साथ लेकर के। 4 बजे बाबा जी साथ लेके जाएंगे। हम निडर है, हमें डर थोड़ा ही लगता है। अरे साहब, तो हमारा बास मौजूद। अरे हम डरनेगी क्या बात? अरे महाकाली को डर थोड़ा ही लगता है, तो उसकी भुजाओं को कहाँ से डर लगेगा। गाम गाम में ही होने लगा, हाँ, लगने लगी। हाँ, 4 बजे हैं हैं हाँ। कौन लगा रहे हैं फेरी? क्यों चले जाएं अज्ञानियों के साथ हम? हमारा संग तो ज्ञान रतन चुंगने वाले हंसों का होना चाहिए। काम नहीं रह जाती है लगा करके, तो छत पर चक्कर लगा लो। नांदिया बाबा के कौड़ियाँ बहुत दिखाई हुई हैं। हाँ, बाबा आता ही है, कौड़ियाँ लेता है। और क्या देता है? हीरे देता है। तुम्हारा जीवन हीरे समान बनाता है, और जो कौड़ियाँ छुपा छुपा के रखते हैं उन कौड़ियों को लेता है। कितना अच्छा सौदागर है। फिर वो शिव बाबा आता किसमें है, किसमें सवारी करता है? ना दिया कहते हैं उसे, जिसने दिया कुछ भी नहीं। नादिया माने बैल। वो बैल का पार्ट कौन बजाता है? बाप बजाता है,
या बाप जिस बैल पर सवारी करता है वो बजाता है, जो बाप ने सवारी की शंकर के ऊपर और शंकर सवारी करता है बैल के ऊपर। इसलिए जिस बैल पर सवारी करता है वो बैल बैल का पार्ट बजाने वाला है। शंकर में प्रवेश करता है, जब तक शंकर हाई जंप न लगाए और नादिया पर सवार न हो जाए तब तक वो बैल अपनी बैल वृत्ति नहीं छोड़ता। इसलिए कौड़ियां शरीर पे दिखाई जाती हैं। इस शास्त्रों में भांति भांति की बातें बनाई गई है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने वाले इंद्र देवता को अभिशाप दे दिया, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में कौड़ियां ही कौड़ियां लग जाए, स्त्री के अंग ही दिखाई पड़ेंगे, सारे शरीर में स्त्री के अंग दिखाई पड़ने लगे। अब वो स्त्री का अंग कहो कौड़ियां कहो बात तो एक ही है, कौड़ी में उजाला होता है या अंधेरा होता है, और हीरे में, हीरे में तो उजाला होता है। तो बाप आए हैं, दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप एक मनुष्यों का बाप, दोनों का जो साकार सवारी है वो बैल है। बैल देवता है या जानवर है? वो तो जानवर है, जानवर तो अपनी जानवर वृत्ति का काम करेगा। तो बाप के लिए ये गायन है कि कौड़ियां लेते हैं और ज्ञान रतन देते हैं, यादगार में आज भी गांव-गांव में बैल लेकर फिरते रहते हैं। जिस बैल के चारों ओर कौड़ियां ही कौड़ियां लिपती रहती हैं। और बाबा शिव की सवारी तो शंकर है, शंकर की सवारी कौन है? अरे सेवा आवेगा तो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में प्रवेश करेगा या जानवर में प्रवेश करेगा? शिव तो मनुष्यों में ही प्रवेश करेगा और मनुष्य जो है वो जानवरों की सवारी करते हैं। तो शंकर की सवारी बैल दिखाया गया है। बैल का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। बैल बहुत आड़ियल होता है, बात पक्की बैठ गई बुद्धि में 63 जन्म से कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का साकार भगवान कृष्ण है,
तो ये बात हटती नहीं बुद्धि से। इतना आड़ियल है जब ये बात बुद्धि में से हट जाए तो कृष्ण की आत्मा बैल से बदल करके देवता बन जाती है। हाँ जी है अपने दिल से पूछो एकांत पाए करके क्या हालत होती है, है? कन्याओं माताओं में तो लाज रहती है, पुरुषों में लज्जा रहती है क्या? विकारों के लिए पहले पुरुष करता है पहल या कन्या माताएं पहल करती हैं? कौन पहल करता है? कन्या तो बेचारी कुछ जानती ही नहीं है, उसको विकारी कौन बनाता है? पुरुष ही विकारी बनाते हैं। तो फिर दुर्योधन दुशासन कौन हुए? पुरुष ही हुए। बुरा लगता है क्या? बुरा लगता है, इसलिए बाबा ने बताया एक जन्म में स्त्री और एक जन्म में पुरुष बनते हैं। हाँ गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला खुली हुई है, वहाँ कोई भाई यदि बैठ जाता है और भाषण करता है तो वो पाका भागीदार बनता है। यदि उस गीता पाठशाला पर माता पढ़ी लिखी नहीं है और वो कोर्स कराना नहीं जानती है तो भाई माता को साथ मिला कोर्स करा सकता है युगल जोड़ा को? युगल जोड़े के साथ माता तो होती ही है। नहीं, जो माता युगल जोड़ा जो है चला रहा है, हाँ, वो अगर दोनों साथ बैठ गए माता को कोई चला सकते हैं तो गीता पाठशाला खोलने का शौक चर्राया हुआ है जब समझा नहीं सकते। अरे टीचर का मतलब क्या है? टीचर का मतलब है पढ़ाई पढ़ाना आता हो। गीता पाठशाला ग्वालियर और सबसे पहले खुली है। हाँ, जहाँ कहीं भी खुली हो अपने दिल से पूछना चाहिए कि जो गीता पाठशाला खुली है उस गीता पाठशाला में मुख्य टीचर कौन होता है? माता होती है या भाई होता है? माता मुख्य टीचर है। अगर मुख्य टीचर है तो किस बात की मुख्य टीचर है? अरे कोई बात में आगे होना चाहिए तब तो मुखिया टीचर बनाई गई, उसे कहते हैं प्रधान अध्यापक, प्रधान आचार्य। तो किस बात में आगे है? प्योरिटी में आगे है तो पूजनीय है, फिर उसका रिगार्ड करते हुए जब भी किसी को कोर्स दें तो सामने उस माता को बैठाना जरूरी है। अगर नहीं बैठाते हैं ऐसे ही भाषण करना शुरू कर दिया तो जैसे कि डिसरिगार्ड कर दिया। पुरुष जो हैं वो पुरुषों को ही समझाएं तो अच्छा है, नहीं तो पूरे क्लास के अंदर जो कन्या माता समझा सकती हो उसको बुला लेना चाहिए। मुरली में भी बोला है पुरुष पुरुषों को समझाएं, कन्याएं माताएं कन्याएं माताओं को समझाएं। जिन माताओं को
माँ मेरी बच्ची नहीं हुई है, उन्होंने कोर्स लिया है, रेगुलर क्लास कर रही है, 3 महीने हो गए हैं, तो क्या वो करा सकते हैं कोर्स? पहले बच्चा तो बन जाए भगवान का। हाँ जी, इंसान की आत्मा सरप तो गधा घोड़ा भी बन जाता होगा। अब बेसिक पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी क्या? तुम तो एडवांस क्लास में आके बैठ गए, अभी तक यही नहीं जाना कि मनुष्य आत्मा मनुष्य जात का बीज है या जानवरों का बीज है? मनुष्य जात का चैतन्य बीज है। जो बीज जैसा होगा जिस जाति का, वैसा ही वृक्ष पैदा होगा। आम के बीज से बबूल कैसे पैदा हो जाएगा? तो कैसे बाबा, नहीं बाबा, जैसे जागर बजती है ना, देवता को खिलाती है तो वो कहता है कि ये देवता उनको देवता। हाँ जी, हैं? शंकर का ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। वंडरफुल बाप आया हुआ है ना। हाँ, कौन सा पुरुषार्थ है जिससे शंकर के पार्ट को समझ सकते हैं? पुरुषार्थ नहीं है, जो बड़े से बड़ा देवता है वो परम पवित्र होगा या अपवित्र होगा? पवित्र होगा। और जो परम पवित्र पार्ट बजाने वाला है उसका अनेकों के साथ देह का और इंद्रियों का संग का रंग बहुतों को लगता होगा या नहीं? है? लगता होगा। और वो जो संग का रंग है वो और दूसरे पुरुषों के मुकाबले, दूसरे पुरुषों की इंद्रियों के मुकाबले उसकी इंद्रियां ज्यादा शीतल होंगी या नहीं होंगी? शीतल इंद्रियां होंगी। बैल का पार्ट नहीं बजाता होगा तो ढेर के ढेर सरेंडर हो सकते हैं, नहीं तो सरेंडर हो करके रहेंगे या भाग जाएंगे? हाँ, भाग जाएंगे। बाबा, आपने बोला 2012 में एक दूसरे की दूरी 10 हो जाएगी। मैंने नहीं बोला। ये अखबारों में छापा गया और टीवी में दिखाया, कोई वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की, ऐसी ऊट पटांग घोषणाएं ढेर की ढेर पहले भी होती रही हैं। बाकी उनका अर्थ जो है वो सही अर्थ किसी को पता नहीं है। दुनिया इतनी छोटी नहीं है जो एक घड़ी में विनाश हो जाए, बहुत बड़ी दुनिया है। इसका विनाश होने भी कई साल लगते हैं। तुरंत विनाश हो जाए तो भगवान बाप को कोई नहीं पहचानेगा। ये हो सकता है कि 2012 में जो चैतन्य पृथ्वी माता का पार्ट बजाने वाली धरणी माता है, सब माताओं की माता जगदम्बा,
उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाए। अर्थात बुद्धि की दूरी घूम जाए। जगत माता है तो जगत के और धर्मों की जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, छोटी उम्र वाले, उनकी तरफ बुद्धि झुकी हुई रहती है। आखिरीन वो बुद्धि चेंज होती है और आखिरी बच्चों से बुद्धि उठ करके भारत के जो देवी देव आत्माएं हैं उन आत्माओं की तरफ बुद्धि झुकती है। उसको कहा जाता है पृथ्वी की धुरी चेंज हो गई। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है या पहले स्थूल में होता है? मकान बनाया जाएगा पहले स्थूल में बनकर खड़ा हो जाएगा या पहले दिमाग में खाका खींचेगा फिर कागज में बनाया जाएगा फिर स्थूल में बड़ा मकान बनाया जाएगा? तो टाइम लग जाता है। जब 63 जन्मों के पाप ओरण होंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे? तिरसठ जन्मों के जो पाप याद से जिनके भस्म होंगे वो तो सिर्फ हाथ ही है, बाकी तो नंबर बार सजाएं खाने वाले हैं। और जिनके पाप भस्म हो जाएंगे उनके पुण्य का खाता खुल जाएगा, उनको फिर कोई भी दुख नहीं दे सकता दुनिया में, किसी प्रकार का दुख उनको अनुभव में नहीं आएगा। ये पापों का खाता जब तक भस्म नहीं हुआ है तब तक हम दुख अनुभव करते हैं। शास्त्रों में राम की 3 माताएं बताई हैं, ये कौशल्या और सुमित्रा, हम तीनों का ध्यान क्या है? 3 माताओं का मतलब है इस यज्ञ में 3 देवियां ही मुख्य हैं। एक तो बड़ी माँ, एक छोटी माँ और एक है दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसने सहन शक्ति का मुख्य पार्ट बजाया। ये 3 माताएं हैं। और है ना वो रखते हैं ना के कहीं ने वो बता मांगे थे राम को 14,000 का वनवास तो बस पर अब दिया जाए। महाभारत में भी 13-14 साल गाया हुआ है वनवास और रामायण में भी 14 साल का वनवास गाया हुआ है। ये वनवास कोई दूसरा नहीं है, में एडवांस पार्टी में जो हड़कंप होता है उस हड़कंप के बाद बाप दुनिया वालों की नजरों के सामने से गुप्त हो जाते हैं। माना जो बाप का पार्टधारी है वो कांटों के जंगल का वासी हो जाता है और जो भी साथी है
वो भी कांटों के जंगल के बाकी हो जाते हैं। अब वो चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण जैसी आत्माएं हो, और चाहे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसी आत्माएं हो, वो कांटों के जंगल की वासी हो जाती है। 98 के बाद से लेकर के 2012 तक के कितने वर्ष हो गए हैं? 14 साल पूरे हो जाते हैं। उस बात के लिए उन वैज्ञानिकों ने लिख दिया पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। कृष्ण के लिए ये कलंक लगाए हैं कि उसने चुरा के मक्खन खाया। गोपियों को भगाया, भगाया या अपने आप को भाग भाग के आई? तो ज्ञान की बात हुई ना, बंसी बजाई। दुनिया वाले समझते हैं जैसे हम भगाते हैं हाथ पकड़ के, ऐसे भगाता होगा। ज्ञान की बातें तो उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। हाँ ये जरूर है कि माताएं कृष्ण के मुंह में माखन देती हैं, जो मक्खन जैसे वारसदार बनने वाली आत्माएं हैं, वो कृष्ण के ऊपर अर्पण कराती हैं। बाकी तो शास्त्रों में अगरम बगरम लिख दिया है। चार पुत्र ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है तो जो ब्रह्मा से शक्ति पैदा होती है पहले चार पुत्रों की, वो चार पुत्र चार मुख्य धर्मों के चार बीज हैं। कितने मुख्य धर्म हैं? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। इन चारों धर्मों की चार बूज बीज रूप आत्माएं हैं, जो भाई भाई के रूप में ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। रामायण में उनको दशरथ के चार पुत्रों के रूप में दिखाई दिए हैं। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र नहीं दिखाए हैं, रथ है, रथ समान है। झाड़ के चित्र में जो जड़ों पर रथ बैठे हुए हैं शरीर रूपी, कितने रथ बैठे हुए हैं? 10 बैठे हुए। बीच में माँ बाप और आजू बाजू में चार और चार, 8 और 2 10, यही 10 रथ हैं जो यज्ञ में ब्रह्मा के जीवन रहते रहते आ जाते हैं। बाद में फिर राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है। तो राम वाली आत्मा को पालना देने वाले, ज्ञान में जन्म देने वाले यही 10 रथ हुए।
शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है। कभी देखते हैं तो सिंगल दिखाते हैं, माँ है और वैष्णवी माँ डबल दिखाते हैं। वो संपन्न स्टेज है, वो वैष्णवी है, वो अधूरी स्टेज है, निवृत्ति मार्ग की स्टेज है या प्रवृत्ति मार्ग की स्टेज है, और जो देवियां हैं या पटरानियां हैं वो और धर्मों से कनेक्टेड हैं, वो सब नंबरवार है। प्रवृत्ति मार्ग की पक्की देवी एक वैष्णवी ही है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही महानारायण या महालक्ष्मी के रूप में गाया हुआ है। कि सब पटरानियां एक जैसी हो जाएंगी। पट में तो सब पटरानियां गिरती हैं, पुरुषार्थ करते करते माया उनको पट में गिरा देती है। वो महारानी का पार्ट नहीं है, इसका पार्ट है पट रानी का पार्ट है। एक बाप को याद करते करते कोई ना कोई दूसरे के प्रभाव में आ जाती है तो पट में गिर जाती है। पार्वती जी ने महादेव जी से कही कि महादेव जी तुम पवित्र हो गई, पवित्र करके मानता है, किस मानता है पवित्र करके। पार्वती जी ने पूछा गीता में तो महादेव जी से, पार्वती ने गीता में पूछा, हाँ कि पार्वती जी ने गीता ही बता बता रही हूँ, पार्वती जी पूछ रही है महादेव जी तुम सब पवित्र करके मानते हो तो पवित्र काय वास्ते हो। जी बोले की पार्वती जी कहता नंदन जी महाराज हुई है, सरस नाचते लिख रहे हैं, कीड़ा बिच्छू लिख रहे हैं, थोड़ा पवित्र करके मानते हैं। महादेव जी बात बताओ तुम पवित्र किस रास्ते हो। महादेव जी ने बोला कि मैं गीता के 90 अध्याय पाठ से पवित्र हूँ। मुझे 90 अध्याय गीता के पाठ से पवित्र है महादेव जी। आपकी बुद्धि में टीवी ही घूमता रहता है कि मुरली की अव्यक्त वाणी की बातें भी चलती हैं, है? गीता में नहीं करी है। गीता में कहीं पार्वती का नाम आया है? नहीं आया है। और आगे अमृत वेला में भले देर से उठना, भले थोड़ा पुरुषार्थ करना, लेकिन उठने के बाद सोना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नींद आ जाती है तो जैसे मुर्गे का पुरुषार्थ होता है, दूसरों को जगा देता है और खुद सो जाता है, तो ऐसे विदेशियों और विधर्मियों की लिस्ट में चले जाएंगे। उनको रोको, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, वो अमृत वेले में तीव्र गति से सामने आता है, तो अभ्यास करना चाहिए दुष्ट संकल्पों को भगाने का, अच्छे संकल्पों को मंगाने का, या तो बाबा की याद में रहना। बाबा जैसे मुरली को बोला है कि हिंदू रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप में नारायण रूप में याद करो, ठीक है? वो अविनाशी पार्ट नहीं है, नारायण का जो पार्ट है वो अविनाशी पार्ट धारी नहीं है। अविनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे?
अविनाशी बनेंगे। उसके मुकाबले और जो आत्माओं का पुरुषार्थ है उनके पद का कुछ न कुछ विनाश हो जाता है। नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उसके पद का विनाश होता है, राम के लिए कहेंगे, लेकिन वो तो पांच जन्म की बात है, राम फेल हो गया। ऐसे तो किसी मुरली में नहीं बोला कि राम फेल हो जाएगा, अब वो तो सभी के लिए बोला है जो भी नारायण का पद पाने वाली आत्माएं हैं, सब के लिए बोला है। जो नारायण बनते हैं वो राम सीता भी बनते हैं। बाबा जब दबा ने तीन जन्म बताए ना, जब दबा ने तीन जन्म बताए ना, तो कहते हैं किसने बताए? मुरली में तीन जन्म बताए, ये बताया कोई कोई ब्राह्मणों के तीन जन्म भी होते हैं। और तीन जन्म जो होते हैं वो लगातार पुरुष के या स्त्री के नहीं हो सकते, क्या लगातार दो जन्म पुरुष के या तो दो जन्म स्त्री के हो सकते हैं, तीसरा जन्म जरूर चेंज हो जाएगा। कोई भी आत्मा एक साथ लगातार दो जन्म से ज्यादा स्त्री या दो जन्म से ज्यादा पुरुष नहीं बन सकती। और साईं बाबा किसे हैं? साईं बाबा भी है। हाँ साईं बाबा क्या हुआ? इतना रूप बने साईं बाबा जो है वो भक्ति मार्ग के डुप्लीकेट स्वामी बाबा हैं। स्वामी का बिगड़ा हुआ रूप है साईं। असली स्वामी कौन है? अरे सबका स्वामी कौन है? सबका स्वामी तो एक ही शिव बाबा है। साईं बाबा को तो सारे भारत के लोग भी नहीं मानते, एक संप्रदाय विशेष है जो साईं बाबा को मानता है। और साईं बाबा भी दो हो गए, एक बड़े बड़े बालों वाला साईं बाबा और एक फुटपर्ती पुराना बूढ़े शरीर वाला दिखाया जाता है। ये कहाँ की यादगार है? ये ज्ञान मार्ग में जो असली स्वामी बाबा हुए हैं वो दो आत्माएं हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। और है हाँ जल्दी नींद आ जाएगी, अच्छा है, घंटा कटेगा। जिनको बैठे बैठे नींद आ जाती है उनके लिए तो बता दिया ना कि आँख में डालने वाला जो ड्रापर होता है उसमें सरसों का तेल डाल के रखो, जब नींद आए तो उंगली पे आधा बूंद लेके आँख में लगा दो, आधा पौना घंटा ही नींद उड़ जाएगी, फिर बाद में फिर नींद आने लगे तो दूसरी आँख में लगा दो, तब तक एक आँख सालिम हो जाएगी। अब प्योर तेल भी तो नहीं,
अरे ये दुनिया दुखधाम तकलीफों की है या सुखधाम है? हैं? दुखधाम तकलीफों की दुनिया है। तकलीफों की दुनिया में, दुख की दुनिया में रहते हुए ही हमको प्रैक्टिस करनी है सुखदाता बाप को याद करने की। हमारी जो प्रैक्टिस ही ये है। सुख में कोई स्मरण करता है क्या? दुख में ही याद किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, पुरुषार्थ करती आत्मा और पुरुषार्थ में प्रकृति छोड़ देती है तो फिर दूसरी जन्म हाँ है? जैसे पुरुषार्थ कर रही है दूसरी छूट जाता है हाँ, पहले वो नहीं आती है फिर दूसरा अंतिम जन्म कैसे? तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसका मतलब जो आत्मिक स्थिति को पाने वाले बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्मा बने हैं, उनका शरीर छूटेगा है? शरीर किनका छूटता है? जो आत्मिक स्थिति बने हुए हैं, कोई न कोई भक्ति मार्ग का संस्कार उनमें प्रबल उठा बैठा है। जिनमें भक्ति मार्ग के संस्कार रह जावेंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। पौने पाँच बजे तक। हाँ जी, हाँ जी, सूरज निकलने का जो टाइम होता है उससे पहले अमृत वेला होता है। यहाँ भी ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है, संसार में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब सारी दुनिया जान ले आएगी, उसको पहचान जाएगी, फिर याद करने से क्या फायदा? एक बार ही बोला बाबा, दो बजे से चार बजे तक हम चार बजे का चार बजे से। कोई वाणी में नहीं बोला, तुम तो झूठ बोलती है। चार बजे कहीं सूरज निकलता है क्या? शांत हो जाओ। हाँ शांत है। शंकर जी के गले में सर्प दिखाए हैं, काहे के लिए दिखाए हैं? सर्प कहा जाता है भिखारी को। एक ही सर्प दिखाया है शंकर जी को कि पांच सर्प दिखाए हैं? एक सर्प कमर में दिखाते हैं, दो सर्प बाजुओं में दिखाते हैं, एक सर्प गले में दिखाते हैं और एक सर्प सर के ऊपर दिखाते हैं। कमर का जो सांप है वो काम विकार का सूचक है क्या? ऐसी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी आत्माएं उनके गले पड़ी हुई है। कहते ना, हमारे गले पड़ गया। जो गले पड़ गया उसको तो संभालना ही पड़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। तो बाबा को इस पुरानी दुनिया में निर्विकारी तो मिलते नहीं है, तो विकारी ही गले पड़ जाते हैं। तो उनके साथ ही रह करके पुरुषार्थ करना होता है। हाँ जी, कार्तिकेय, कार्तिकेय,
टिक करता है, जो बहुत टिक टिक करता है ज्ञान की बातों का, उसको कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? छह मुख दिखाए जाते हैं। वो छह मुख विधर्मियों के सूचक हैं। छह मुख्य धर्म हैं विधर्मियों में, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। ये छह मुख से वो बोलता है, एक मुख से बात नहीं करता है। जैसे रामलीला खेलते हैं तो राम को एक मुख दिखाते हैं, वो एक मुख से एक ही बात करता है, और रावण दस मुख दिखाते हैं, दस मुख से बात करता है। ऐसे ही कार्तिकेय को छह मुख दिखाए हैं। कभी किसी धर्म को सपोर्ट करता है, कभी किसी धर्म को सपोर्ट करता है। राम कल्याणकारी है। हाँ जी। और किसी आत्मा को अपनी जंगल में भेज दिया, पर वो कैसे इसको अपना जीवन निर्वाह करे और कैसे प्रसाद? किसी आत्मा को जंगल में भेज दिया तो कैसे प्रसाद होगा, कैसे जीवन यापन होगा? क्यों, जंगल में फल फूल नहीं मिलते, कंद नहीं मिलते है? जंगलों में फल फूल नहीं है? अरे लेकिन फल फूल मिलते तो हैं, नहीं तो जंगल में जानवर कैसे रहते हैं? हिरण रहते ही नहीं। फिर आदमी चाहे तो घास खावे के भी जिंदा रह सकता है, और जब अकाल पड़ेगा तो घास की रोटियां खा के महाराणा प्रताप की तरह भी जिंदा रहेंगे। हाँ जी, जो मस्ती में रहने वाला है वो हमेशा मस्ती में रहता है। जन्म देंगे, लेकिन जो मानसिक वाली यहाँ पर जो आत्मा है बनेंगे, उनका जो जन्म होगा, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा का बाप था, बोई राम वाली आत्मा प्रजापिता जब दूसरा जन्म लेके आती है देशी ज्ञान में, तो बेसिक ज्ञान के बतौर उसका बाप कौन बन जाता है? ब्रह्मा बाप बन जाता है। ऐसे ही सचिव में राधा कृष्ण का बाप, संगम में भी लक्ष्मी नारायण, जो संगम में भी लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के बाप बनते हैं, वो ही राधा कृष्ण वाली आत्मा है, त्रेता के आदि में जाकर के प्रजावर्ग में जन्म लेती है, नीचे उतरते उतरते, और राम सीता जैसी आत्माओं को जन्म देती है। तो त्रेता में पहुंच गई, वो वहां जाके उनके बच्चे बन गए ना? वहां जाके बन गए, आई नहीं ना वो, सचिव में तो वो उनके बाप बन गए राधा कृष्ण के, त्रेता में जाकर के बच्चे बन जाएंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ क्यों नहीं होंगी, नीचे उतरते जाएंगे। हैं? उसको जन्म देने कौन सी आत्मा ने लेता हूँ? किनको? जो संगम की लक्ष्मी नारायण है। संगम की लक्ष्मी नारायण को जन्म मिलता है क्या किसी से? फिर तो वो ही बाप हो जाए, फिर परमपिता कहाँ रहा?
उनको कोई स्थूल जन्म देता है क्या? उनको कोई ज्ञान सुना सकता है क्या? उनको कोई ज्ञान में जन्म दे सकता है क्या? वो सबका टीचर है, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं हो सकता। वो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं। वो सबका गुरु है, उसका कोई भी गुरु नहीं। उसकी सदगति कौन कर सकता है? अरे अरे प्रजापिता की सदगति कौन साकार मनुष्य कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। शंकर को भी स्वयंभू कहते हैं और शिव को भी स्वयंभू कहते हैं। भू माने जन्म लेने वाला, वो स्वयं ही स्वयं का जन्म देता है। उसको साकार में जन्म लेने वाला कोई नहीं है। और माताएं कन्याएं शिवलिंग की पूजा नहीं करती हैं क्या? करती हैं। सन्यासी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि कन्याओं माताओं को शिव की पूजा नहीं करना चाहिए। वो तो आज भी बेसिक में जो सन्यासी बैठे हुए हैं वो क्या सिखा रहे हैं? हमारी पूजा करो आके, या जो शिव जिसने आया हुआ है उसकी पूजा करो? यही शूटिंग चल रही है भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग में सन्यासी कन्या माताओं को वर्जित करते हैं, वो कहाँ की बात है? अभी संगम युग की बात है। संगम युग में जो सन्यासी बैठे हुए हैं सफेद कपड़े वाले, वो यही सिखाते हैं कि भगवान बाप जिस लिंग में आता है, लिंग रूप शरीर में आता है, उसको तुम मत पूजा करो। पूजा ही करनी है तो हमारी पूजा करो।